कौन कौन इधर हाथ रहेगा? कमी है, बाकी ज्यादातर गौस भाई करेंगे। गौस भाई जी कितने सही नवाओगे? मेरे सारे उधर बैठे हैं, मैं ज्यादा काशिफ भाई के। चलिए अच्छी बात है, सब बैठे हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों और प्यारे भाई, आज आपका एक फाइनल लेगा तो है, कोर्स आपका जरूर खत्म हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपका जर्नी खत्म नहीं हो रही अभी। यूँ समझ लीजिए अभी आवाज है मोहब्बत है, सही है? तो अंजाम क्या होगा वो भी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आपने अभी आज जो आपको टास्क दिया गया है, आपके सरों पर एक प्रेशर डाला गया है, उसका प्राइमरी मकसद है, बात अगर आपके दिमाग के ढक्कन ना जाम हो जाते हैं, तो जब इस तरह का प्रेशर आता है ना तो वो ढक्कन मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने शायद एक एक दो दो हफ्ते में कोडिंग नहीं की, लेकिन वो आज इतनी कोडिंग करेंगे कि अब जो है वो आप उनसे कुछ भी बनवा लो, फेसबुक की एक नया क्लोन बनवा लो, तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है, ये आपका फाइनल एग्जाम है एक तरह से, बट आपने जहन में रखना है कि आपने अभी यहाँ पर रुकना नहीं है। अब आपको कम से कम भी जो है 6-8 महीने ये समझ लें आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, जिसमें आप कहीं पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, कहीं पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो के तौर पर दिखाएंगे आगे। और आप यूँ समझिए इंशाल्लाह आप फाइनल लगा तो उनका कागज है ना, तो आगे इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन ज़रूरी है, ज़रूरत इस बात की है कि आप कंसिस्टेंट रहें, हाथ पे हाथ रख के फिर से ना बढ़े हैं। जितना प्रेशर आज आप पे डाला गया है ना कि आपने कोडिंग करनी है, चाहे दिल करे या ना करे, ऐसे दिल कर रहा होगा तभी एक साल आपने सर्वाइव किया इस कोर्स में, तभी वरना बगैर दिल के कोई इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाता, तो दिल तो कर रहा होगा आप लोगों का कोडिंग वोडिंग करने का। आपने अब जो है इसको पकड़ के हाथ को जो है ना मजबूती से पकड़ लेना कोडिंग को, और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे और जब डॉलर आएंगे ना, डॉलर जब आएंगे आपके अकाउंट में, सब डॉलर का चक्कर है, तो फिर तो आपको किसी की मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होगी, फिर तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक वो आते नहीं तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि बिलीव नहीं होता कि वाकई में आएंगे भी या नहीं आएंगे, ऐसा ही होता है ना। लेकिन बिलीव में अगर आप अच्छा काम करते हैं ना तो आएंगे जरूर, आपके पास पैसे भी आएंगे, क्लाइंट्स भी आएंगे, जॉब्स के ऑफर भी खुद आएंगे। आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको काम जो आ रहा है ना वो आपको सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा मैं अपनी बात को एंड करता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, मैं भी थोड़ी देर यहीं पर आऊँगा, तो किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझसे जरूर रब्ता कीजिए, बुला लीजिएगा या खुद आ जाइएगा मेरे पास, ठीक है। किस किस्म की हेल्प हैदर भाई कर देंगे आप, और किस किस्म की आप नहीं करेंगे? जैसे किसी जगह पे आपकी लॉजिक बिल्डिंग में आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, कोड नहीं लिखूंगा मैं आपका, या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इसका सिंटेक्स ऐसे सही होगा, कहीं पे आपकी गोट अटक गई हो, एक घंटे से लगे हुए हो और फंस गए हो आप, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि बेटा आपने ये मिस्टेक की है, इसको इस तरह से ही कर सकते हो, करना आपने खुद ही है, चीटिंग नहीं कराने वाला मैं, सही है। चलिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसा तो कैसा जा रहा है आप लोगों का? अच्छा नवाब भाई के स्टूडेंट ज्यादा है यहाँ पे, मेरा कोई स्टूडेंट बैठा हुआ यहाँ पे कोई भी नहीं है, काशिफ भाई का। अच्छा नवाब भाई के अलावा कितने स्टूडेंट हैं उधर? आप जिन नवाब भाई के स्टूडेंट नहीं है डायरेक्ट स्टूडेंट, चलो ठीक है, इनडायरेक्टली तो आपको सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। अच्छा देखिए बेटा एक बात ज़रूरी अपनी जहन में बैठा लीजिए, आज जो आपको हैकाथॉन दिया गया है और जो आपको टास्क दिया गया है, ये मत समझिएगा कि आज आपका फाइनल एग्जाम हुआ कल से कोडिंग वोडिंग बंद, ठीक है ना। ये अब आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया। आप मेरे कितने लोग हैं शादीशुदा हैं? कोई भी नहीं है, तो बस ये आज से आपकी बेगम हो गई है। बेगम को जितना टाइम देना होता है ना उतना टाइम आपने इसको लाजमी देना है। क्यों देना है टाइम, क्यों देना है बेटा? जिंदगी में सरवाइव करने के लिए हमें, जैसा आखिरत में हमें नेकियों की जरूरत होगी ना, जिंदगी में सरवाइव करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, उसको कहते हैं पैसे। पैसे तब आते हैं बेटा जब आप किसी को उन पैसों की जितनी ही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कोई आपको फ्री में पैसे नहीं देने वाला, तो वो वैल्यू ये हुनर आपकी वो वैल्यू है। आप इसको आगे जब अपने क्लाइंट्स को अपनी जहाँ पे जॉब करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, वहाँ पे अपने सीनियर्स को जब ये वैल्यू देंगे तो बदले में हम आपको इंशाल्लाह बेहतर पैसे देंगे।
और उनसे आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा सर्वाइवल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस वक्त दीदी जरा इम्पोर्टेंट देनी है, इससे आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपकी देखें, जब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ इम्प्रूव होती है ना, उसके बाद आप अपने मोहल्ले का और अपनी कॉम के बारे में सोच सकते हैं। पहले तो आपको अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है ना, ये बहुत जरूरी है। इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अभी आपका ये समझ लें, आज आपका आवाज हुआ है, कोर्स खत्म हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में आपका आवाज होगा कल से। आज आपका हैकाथॉन है, प्रेशर आप पे डाला गया, ताकि जो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोडिंग लिखते हुए घबराते हैं, और जब इतना प्रेशर आता है ना, तो लोग बहाव में ना निकल ही जाते हैं। इतने सारे लोग बैठ के कोडिंग कर रहे हैं ना, तो एक धक्का पड़ता है, वो सही हो जाता है, दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। तो जब वो दिमाग के ढक्कन आपके खुल जाएंगे, तो आप बंद नहीं होने चाहिए। अब आपने अगले 6 महीने में टारगेट करना है, या तो आप कहीं पर अच्छी इंटर्नशिप करने की कोशिश कीजिए, या कहीं पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो आप पोर्टफोलियो के तौर पर प्रेजेंट कर सकें। आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। जब आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे जॉब्स के लिए, आपके पास ऑफर्स भी आएंगे, लिंक्डइन वगैरह अगर आपने प्रॉपर बनाई है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास खुद आएंगी। आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, इस फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, दैट्स इट। बाकी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, आप तो कोडिंग कीजिए, वरना माइंड आपका ज़्यादा डाइवर्ट होगा। मैं भी थोड़ी देर यहीं रहूँगा, अभी थोड़ी देर में दोबारा चक्कर लगाऊंगा। आपको कोई हेल्प चाहिए हो, हेल्प का मतलब मैं आपको कोड नहीं लिख के देने वाला, चाहिए पता लगा कोई बच्चा हमसे कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ऐसी कोई हेल्प नहीं करूँगा। बट आपको कहीं पर लॉजिक बिल्डिंग में मसला आ रहा हो, एक आप घंटा निकल गया और फंस गए हो, तो मैं आपको उस फंसी हुई जगह से उस चेक पॉइंट से आगे निकाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप आगे प्रोग्रेस करते रहे। बट मुझसे कोई चीटिंग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, इधर कोई गेटअप की रेपो बना दें जहाँ आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलें, ऑल द बेस्ट।